शिवपुरी जिले के नरवर एवं मगरोनी कस्बे में फर्जी झोला छाप डॉक्टर सरेआम नियमों का उल्लंघन कर अपनी क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये फर्जी डॉक्टर अपने क्लिनिक पर भारी भीड़ जमा कर लेते हैं, जिससे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। नरवर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर भी इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते नरवर में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार नरवर एवं मगरोनी कस्बे में दर्जनों बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। अब तो नगर में जहां जगह मिल रही है वहीं अपने क्लिनिक को संचालित कर रहे हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बसर अली खान ने इसके लिए बीएमओ को जिम्मेदार ठहराया है। जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि नरवर में करीब 100 झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने से बच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ पद ग्रहण भी किए हैं और उक्त समय में आप अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की शासन चल रही है, तो इस समय नरवर की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत गंभीर होती दिख रही है। नरवर में कोरोना ब्लास्ट होने की संभावना है और जैसा कि देखा जाए तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, इन पर ना कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है और बराबर इलाज कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप अपनी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया जी। पूरे विश्व में कोरोना महामारी बहुत भयंकर रूप से फैली हुई है जी और रोकथाम के लिए हमारे प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सरकार की जितनी व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सब लोग दे रहे हैं जी। परंतु नरवर की मैं आपको बात बता दूं, सूत्रों की जानकारी से मुझे भी काफ़ी लोगों की शिकायत मिल रही है कि नरवर में लगभग 100 झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें खुली हुई हैं जी और मुझे भी मालूम है कि इन लोगों पर ना कोई डिग्री है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है जी। और मेरा यहाँ तक सवाल है या मैं यूँ कहूँ कि इसका मुख्य जिम्मेदार नरवर डीएमओ डॉक्टर आरआर माथुर हैं जी, जो कि आज तक इन डॉक्टरों की फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की ना कभी इन्होंने चेकिंग करी, ना कभी रजिस्ट्रेशन चेक करी, ना डिग्री। और मेरा तो यही मानना है कि खुला हुआ संरक्षण है वो मुख्य रूप से बीएमओ डॉक्टर आरआर माथुर का है, जिनको नरवर में अब यदि कोरोना फैला, मैं आपको बता दूं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीए का एक नियम है जी कि कोई भी व्यक्ति खुली हुई दवाई का पुड़िया बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जी पुड़िया बनाई जा रही है। इनकी दुकानों पर ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क लगा है, ना कोई ग्लव्स पहने हुए हैं जी। अभी तहसीलदार मैडम, नगर पंचायत सीएमओ और थाने के कर्मचारियों ने, एएसआई सोलंकी जी ने ये झोला छाप डॉक्टर को चेक किया जी। अमर शांति गेट था उसके पास में जी, उसका 2000 का विधि तरीके से चालान भी किया जी, लेकिन उसका ना कोई डिग्री थी, ना रजिस्ट्रेशन था, कुछ नहीं था जी। तो ऐसी सैकड़ों दुकानें संचालित हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सीपी कलेक्टर साहब से आग्रह करता हूँ, सीएमएचओ साहब से, कि जितने भी नरवर में झोला छाप डॉक्टर हैं इनकी रजिस्ट्री, इनका लाइसेंस, इनका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। जिन पर हैं उनको आप नियम बनाइए कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, किस कॉलेज से डिग्री ली है, आप अपनी दुकान पर लगाइए। यदि नहीं है और अगर जो फर्जी तरीके से क्लिनिक खोलें जो कि शासन के नियम के विरुद्ध है, इन पर FIR दर्ज होना चाहिए और साथ में जिन अधिकारियों का संरक्षण है कलेक्टर साहब उन पर भी कार्रवाई करें। हालांकि बीते रोज स्थानीय प्रशासन ने इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी की, जिसमें एक क्लिनिक पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2000 की चालानी कार्रवाई की गई तथा कुछ डॉक्टर तो अधिकारियों की कार्रवाई की सूचना मिलने पर भूमिगत हो गए। फिलहाल देखना होगा जिला प्रशासन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेता है या नहीं। शिवपुरी से राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।